राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा सुबह का टाइम, और उसी दिन का ब्लॉग जिस दिन मैं सुबह आई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम। तो यहाँ मैं घर आ चुकी हूँ, और जैसे ही मैंने हाथ मुँह धुले, शिवानी तुरंत चाय बना के लेके आ गई थी। बोली थी नाश्ता भी कर लो, मुझे नाश्ते की इच्छा नहीं हो रही, केवल ओनली चाय पीनी है मुझे। तो बस चाय भर पी, और सच में इतनी गर्मी हो रही थी जिसकी मतलब कोई सीमा नहीं थी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हालत ख़राब हो रही थी। कुल सारे हैं गेंदा के पेड़, इन्हें सिवाई से बचा के रखे, पानी किंच देंगे पानी। कल मैं गाड़ने आज निगाहें कल पीली लाल हैं, तो इनमें से कल मैं तुम्हें भी मुझे लग जाएंगे। तो घोड़ल की सेवा भी कही तो तुम ऐसा कर, गमला में ना लगाना, धरती में लगाना तो ज्यादा सही रहेगा। अब गमला में चल रहे सही है, तो इन्हें ना ऐसे लगाने हैं सब के लिए। अब ये कुछ भी करके पेड़ बिगाड़ तो तुम धरती में बाहर लगाना तो तुम्हारी चल भी जाएंगी, गमला में नहीं चल पाती है। इन्हें कह रही थी मत भागा, पानी की बीच के डाल दे आज मत लगा। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने इतनी मेहनत से दी है, तो मैं सोच रही बर्बाद कैसे भी ना हो पाए, इनको अच्छे से लगा दूँ, कुछ तो लग ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इस टाइम इस सीज़न में ना तो सारे पौधे लग ही जाते हैं बरसात में। और फ्रेंड, अब हो रहा है शाम का टाइम, तो यहाँ शिवानी और मैं जा रही मार्केट। बोले थोड़ा सामान लेना है, मैंने कहा सामान तो मुझे भी लेना है, तो चलो चलते हैं। पर बोल दी घर जाना है इसलिए। और यहाँ शाम की मस्ती देखिए, और मार्केट से शॉपिंग करने के बाद हम लोग खिलौना लेके आए थे शाम के लिए, तो रास्ते में इतनी हंसी आ रही थी, हम लोग घर पहुंच ही नहीं पाएगा। कहाँ है लल्ला? लल्ला को दिखाओ, दिखाओ लल्ला को। ए, वो तो डर रहा है। और फ्रेंड, जैसे हम बाजार से वापस आए ना, तो पूरा पानी भर चुका था, क्योंकि ओटीजी खुला हुआ था, जाल हम ढक के नहीं गए थे, लग नहीं रहा था कि बारिश आ जाएगी, लेकिन जाते ही बारिश आ गई, पूरा पानी भर गया था। तो पहले मैंने वाइपर से अच्छे से साफ़ किया, और इसके बाद में मैं लगा रही हूँ पोछा, या अगर को जिस स्पिन मॉप है उससे लगा रही हूँ। उससे क्या है ना, बहुत अच्छे से पानी पूरा ही सक कर लेता है, और बिल्कुल क्लीन भी हो जाएगा। तो बस मैं उसी से पोछा लगा रही हूँ, और जहाँ जहाँ गंदा जहाँ दिखता है वहाँ वाटर स्प्रे कर लेते हैं, जिससे क्या है ना और अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इसके बाद में फिर यहाँ मैं बना रही हूँ रात का खाना, और ये है अगले दिन सुबह का ब्लॉग। तो अभिषेक बोला था कि चलो मम्मी ये जो पौधे लाए हैं ये लगा लेते हैं, तो लेकिन मुझे जल्दी थी, स्कूल में निकलना है, तो थोड़ी लग पाए थे बाहर जो थोड़ी लगाए हुए थे। हो गया तैयार, आज टेस्ट है इनका। किस चीज़ का टेस्ट है बेटा? और फ्रेंड्स, अब हो रहा है शाम का टाइम, तो यहाँ मैं अभिषेक दोनों लोग आ गए हैं पौधे लगाने के लिए, और ये मिट्टी पूरा निकाल रहा है, पीछे फेंक रहा है ताकि नई मिट्टी भरेगी। इससे अच्छा मैं यहीं से पलट के नहीं पूरी मिट्टी फेंक दूंगा, फिर उसमें नई मिट्टी भरेंगे, तब जाके पौधे लगाएंगे। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ₹5 कूजा उजा के होंगे तो पेड़ में डाले, एक साइड रख दू, ले लेना तुम्हें, यू काम दे जाएंगे। ₹5 मिल गए ना गमला, हो सकता है जल वल में डाले हों, तो वो इसमें जल डाला होगा तो पैसे भी चले गए। ₹5 वही मैं बोल रही, ₹5 तो नहीं डालेंगे, एक आध का सिक्का जरूर डाल दिया होगा। दो का है, हाँ दो का ही है, तो है तो पैसा ना, चाहे दो का हो चाहे एक का हो। वो वाली बाल्टी भी साफ कर दे बेटा, बाल्टी की भी निकाल दे मिट्टी सारी, वो वाली गमले की भी निकाल दे।
ताकि सारे पौधे लग जाएंगे, नहीं सब खराब हो जाएंगे। दो वैसे दो दिन हो गए, पानी डाल डाल के मैंने रख पाए पौधे, नहीं अब तक सब खराब हो जाते। मैं इतनी मेहनत से मम्मी से लेके आई हूँ और पता चले लगा ना पाऊँ तो अभी दिक्कत है। तो आज पौधे लग जाए। अभिषेक लगा रहे हैं पेड़ कौन से है? मैं बता तो इनमें से लाल लाल वाली नहीं, जिनमें पीला पूरा है वो वाला देखो, जिनमें हरा मतलब हरा तना होगा ना वही वाला है गेंदा, बाकी सारी गेंदी है। नहीं देखो बहुत सारे इसमें, ये सारे गेंदा है, ये सारी गेंदी जिसमें लाल है ना, ये सारी गेंदी है। एक में ये नहीं, ये नहीं, ये अच्छा वाला लो, अच्छा वाला ये रख दूं पूरा का पूरा? पूरा नहीं, सर चार पांच पेड़ है पागल, दिमाग खराब है। दो कर दो इकट्ठे, दो दो गेंदा कर दो बस, बहुत करो तो हाँ रख दो। वो पूरे ही पूरे रखे दे रहा है, बोल रहा है कि सारे रख दूंगे इनमें, इसलिए तो मैं सिखा रही हूँ ताकि ये सीख जाए आगे भविष्य में काम देगा। हम तो लगा लगा के कोई परेशान हो गए। लगा बेटा मिट्टी अच्छे से भरना, हाँ तो ऐसे दबा। आज मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, आज मैं सब कुछ इनसे ही कराऊंगी, सब चीजें नहीं सिखा रही हूँ मैं छूनू मैं नहीं छूंगी बिल्कुल भी ना, मुझे करना है। मैंने पहले भी बाहर भी लगवाए तो भी अच्छा। गुड़ैल की दो बची थी कलम, वो कहाँ बेटा ले आयो ना? वो और बता दे, इतनी मट्टी रहने दूँगी और डालू, और डालू थोड़ा सा, पूरी दब तो पूरी दब, पेड़ थोड़ा दबना तो चाहिए। हाँ अरे दब तो है। और ये काम मैंने अभिषेक को ही सौंप दिया है, तो बस बहुत अच्छे से कर रहा है वो, देखते हैं कितने पौधे लग पाते। मैंने कहा आपकी बार मैं इसके हाथ से ही लगवाऊंगी, देखते हैं कितने लगते हैं। और मम्मी ने इतनी मेहनत से जो पौधे दिए हैं तो फिर मैं बर्बाद कैसे होने देती। मम्मी बोल भी रही थी कि लगाना हो तो ही लेके जाना, वरना यहाँ से भी ले जाओ वहाँ भी जाके सूख जाए जाके। और भाग गया, लेकिन अभिषेक मेरा आ गया बेचारा लगवाने के लिए, सीख भी रहा है। गोरु के अंदर ये है ना कि काम करना होता तो करता है वरना भाग जाता है, फिर उसके पीछे दौड़ने से भी कोई मतलब नहीं। कहाँ गया? पापा के साथ चला गया। आज गुरुवार बोला तो बाल कटवा दो, स्कूल में डांट पड़ रही, लेकिन आज है गुरुवार इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं गुरुवार को बाल मत कटवा बेटा, आज ही कटवाना, जिद करता रहा, रो रहा था। मैंने अब कल कटवा देंगे, इतने बड़े बाल नहीं है। अभिषेक मेरा किसी चीज़ की जिद नहीं करता, बस करता है तो बस बैट लेवा दो, बैट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने बोला तेरे लिए अच्छा बैट अगर चाहिए तो बर्थडे पे मिल जाएगा, और ऐसा ही चाहिए सस्ता सा तो अभी मिल जाएगा, अगर अच्छा चाहिए बेस्ट क्वालिटी का तो सिर्फ बर्थडे पे ही मिलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिट्टी उसमें मिट्टी भरो बेटा, उसमें कटन गुड़हल की कलम भी लगाएंगे, उसमें गेंदे भी गेंदा भी लगाएंगे। तो आज हम बनाने वाले पकोड़े की सब्जी, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, ककोड़ा बोलते हैं, पड़ोरा बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं खेक्सा बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से ककोड़ा ही बोलते हैं। तो आज मैंने न्यू सब्जी बनाई हुई है, मैं जरूर बनाऊंगी, बहुत टेस्टी मतलब सीजन वाली सब्जी है, कोई भी सीजन वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं यही बनाने वाली हूँ, और ककोड़ा रखने के लिए ये मैं बास्केट कर रही हूँ साफ, क्योंकि इसमें आलू रखे हुए थे तो आलू की मिट्टी तो वैसे भी हो जाती है तो गंदी हो जाती है बास्केट, तो मैंने इसको अच्छे से मांझ के साफ किया है। इसी में ककोड़े रख लेंगे क्योंकि काफ़ी हैं और इसमें आ भी जाएंगे। तो यहाँ मैंने धुल के साफ़ कर ली है और इसी में दोनों पॉलीथीन के निकाल लेती हूँ और इनको धुल के रख लेंगे, तभी जाके सब्जी बनाऊंगी। और एक पॉलीथीन में है नींबू, और नींबू मंगाए हुए हैं अचार के लिए, इनको मिर्ची के साथ में अचार डालूंगी, बहुत ही अच्छा अचार डालता है, मतलब हाल फिलहाल खाने के लिए, ये स्टोर करके रखने के लिए नहीं। तो नींबू मिर्ची के साथ में डाल के बनाऊंगी अचार। और यहाँ मैं धुल रही हूँ इसको अच्छे से, टैप के नीचे रख लिया है ताकि बढ़िया से साफ हो जाए। इसके बाद में आज भी ये सब्जी बनेगी, और ये सीजन में पहली बार मतलब ककोड़ा आए पहली बार, अभी जैसे स्टार्ट हुए हैं। और अंदर काफ़ी गर्मी हो रही थी, बाहर ठंडा हो रहा था, तो मैंने बाहर ही बैठ ली, चेयर डाल दी, मैंने यहीं बैठ के आराम से काट लूँगी, हल्का सा अंधेरा भी हो गया अब। और यहाँ मैंने रख दी कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दी प्याज, हरी मिर्च ये सब, और इसी में जो मैंने ककोड़ा काट के रखे हैं वो डाल दूँगी, अच्छे से फ्राई करूँगी। जितनी देर फ्राई कर देना उससे क्या है इनका कड़वापन बिल्कुल भी निकल जाता है, क्योंकि इनको पकाने के पानी डालने की ज़रूरत रहती ही नहीं, तेल तेल में फ्राई करते ही पक जाते हैं। थोड़ा थोड़ा ढक के रख दीजिए, थोड़ा थोड़ा चला के तो तेल में ही पक जाते हैं। तो यहाँ मैंने पहले थोड़े डाले हैं और फिर पूरे डाल दिए,
और अच्छे से कर रही हूँ फ्राई। इसके बाद मैं सूखे मसाले ऊपर से डाल देती हूँ, ये नॉर्मल जो मसाले डालते हैं, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये डाल के और थोड़ा सा गरम मसाला और चाट मसाला डाल दिया है। उससे क्या है ना, टेस्ट और अच्छा आ जाता है इनका, थोड़ा कड़वापन भी निकल जाता है, उससे खट्टापन भी आ जाता है। तो यहाँ सारे मसाले के साथ मैं अच्छे से फ्राई कर लिया है और लास्ट में बस नमक डाल के बिल्कुल लो फ्लेम करके ढक दूंगी और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाती रहूँगी और बस हमारी सब्ज़ी बन के हो जाएगी रेडी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो यहाँ मैंने ढक दिया है। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग कोई मिस ना हो, आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।